तो गाइस थैंक यू जेन लवी फैमिली फॉर 9K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। अरे वाह, हां सच में तो थैंक यू सो मच फॉर यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप लोगों ने कितने विशेस दिया हमें इतना प्यार देने के लिए, सो मच यार, बहुत बड़ी बात हमारे लिए। धीरे धीरे सो मच बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे कहते ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। तो सलाम नमस्ते, आप प्यार भरी सत श्री अकाल, आप लोग सब कैसे हो? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, आज भी मैंने सैंडविच खाया था और नवी ने भी आज सैंडविच खाया था और चाय भी पिया था। दाल तो पड़ी है तो आज मैं बनाऊंगी दो सब्जियां, विच इज एक गोभी की सब्जी जिसमें सिर्फ गोभी की सब्जी होगी और एक मैंने बनाना है गाजर मटर। तो आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज फटाक से सब कुछ करना है क्योंकि मेहंदी वाले का टाइमिंग आज थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, तो उस हिसाब से सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए गाइज, मैं जब से सब कुछ कर लेती हूँ फटाक से, नहीं तो मैं अभी फ़िलहाल अभी काम कर रहा है तो मैं जल्दी से जल्दी मैं सब सारी सब्जियाँ बना देती हूँ। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, सलाम नमस्ते, प्यार भरी सत श्री अकाल, और आप लोग सब कैसे हो? मस्त, मैं भी मस्त। हूँ सुबह टाइम है यार, अभी धूप देखो कहीं कड़क भी चल रही है, मैं कहा दोबारा मैं बिजी हो जाऊंगा। चलो पहले मैंने कभी आप लोगों को गुड मॉर्निंग मैं बहुत कम बोलता हूँ ना, कि जेनू बोलती है मैं बोल नहीं पाता क्योंकि यार मैं उठने सारी तो ब्रश करने जाता हूँ, फिर नाश्ता करने लग जाता हूँ, फिर मैं लेट हो जाता हूँ, फिर मैं काम पे बैठ जाता हूँ। तो मैंने कहा चल आज मैं नाश्ता करके आप लोगों को पहले मैं गुड मॉर्निंग बोलूँगा, तो अभी मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। आज ना जेनू की आने वाली है मेहंदी वाला, और उसको मैंने कल बुकिंग कर दिया था, आएगा आज मेहंदी वाला, घर पे मेहंदी लगाने आएगा। जेनू की तो फुल तैयारियाँ शुरू है, आप लोगों की तो तैयारियाँ कैसे चल रही हैं? वाइफ के लिए क्या क्या कर रहे हो आप लोग? मैं तो फुल कोशिश कर रहा हूँ जेनू को खुश करने के लिए, लास्ट मौके पे ना मुझे चौका मारने की आदत है, अभी मैं उसको तंग कर रहा हूँ। चलो तो देखा जाएगा जो होगा, देखते हैं करवा चौथ कैसे जाता है, सप्ताह अच्छा ही जाए, हमारा भी अच्छा जाए भाई, बाकी सब ठीक ठाक। ठीक है, मिलता हूँ फिर दोपहर को लंच टाइम आपके साथ। एक के बाद एक त्यौहार आते जाते हैं ना, फिर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आने लग जाती है, लेकिन अच्छा भी लगता है, थोड़ा माहौल भी अच्छा लगता है। हेलो यार, क्या हाल चाल? मैं कह मैं लंच करके ना मैं फिर से बैठ गया था काम पे, तो ना अभी मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। जिस बंदे को मैंने बोल के आया था उसने भी मुझे मना कर दिया, कहता नहीं यार नहीं आ पाएंगे हम, हमारा यहाँ पे बहुत सारा काम है, हम घर पे नहीं आ पाएंगे। और मुझे अब ये डर लग रहा है, मैं जिन को कैसे बताऊँ, मुझे कहीं और से इंतजाम करना पड़ेगा। और मैं कर रहा हूँ काम करूँ कि उसको संभालूँ, यहाँ सच्ची में कोशिश करता उसको बताने के लिए, डर लग रहा मेरे को, क्या करूँ, कुछ मोशन दे दो। आप लोग कैसे दोगे यार? मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था ना, तब मैं आप लोगों से बात करने लग जाता, तो थोड़ा स्ट्रेस मेरा कम हो जाए, ऐसा लग रहा आप लोग सुन रहे हो मेरी बात सामने बैठ के। बार उसको कुछ लिया भी नहीं है करवा चौथ पे उसने, तो उसके लिए मुंह सूजा हुआ है, मुंह बना के बैठी हुई है। मैंने बोला उसको वही पहन ले, किसी अपने दोस्त को भी पूछा कि यार तू ही किसी को जानता है तू ही भेज दे, तो उसने भी कहा कि आज के दिन तू ऐसे हुक्म कर रहा कि आज के जैसे बैठे ही हैं। और क्या सब ठीक ठाक? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो अपना ब्लॉग बना रहा था, मेकअप बोर हो रहा था। मेहंदी वाले आ रहे कि नहीं? मैं मेकअप करके बैठी हूँ कब से। मेहंदी वाले को मैंने फोन किया है? कब किया है? मैं बाहर जाके बैठ जाऊंगी वहाँ पे सड़क पे जहाँ पे इनका होता है, ब्लॉग बना रहा था। नहीं नहीं, जहाँ पे इनका सड़क होता है वहाँ बैठे रहते हैं साइडों पे, मैं वहाँ जाके बैठ जाऊंगी। वहाँ पे बैठोगे कैसे? जनो बैठोगी कैसे का मतलब क्या? जैसे बैठते हैं थक जाओगी, मैं यही सोच रहा हूँ। कल लगा लेगी? वो कलर नहीं आएगा, और मैं मेकअप करके बैठी हूँ, तो मुझे तो कल भी करना पड़ेगा मेकअप। यार मैं सच बोलूँ, उसने वो लड़के ने जवाब दे दिया यार, जिसको मैं बुक करके आया था। तो बताना चाहिए ना तुम्हें, मैं वेट कर रही हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ किसी और के पास ट्राई करूँ ना, मिल जाएगा, टेंशन मत। लेकिन आज ही क्यों चाहिए तुझे यार? मैं यही सोच रहा हूँ कि अरे कलर आएगा परसों। और वैसे भी कल कोई नहीं आता घर पे, कल तो और भी महंगे में मिलेंगे और रश कितना होगा, धक्का मुक्की में मैं मेरे को पाँव पे भी लगाना, मैं नंगे पाँव जाऊंगी।
मजाक लग रहा है अभी, मैंने तो अपना कपड़े भी नहीं लिए, मैं तो कल जाके लूंगी, इसलिए मैं आज लगूंगी मेहंदी। कल कपड़े लेने हैं जो मैंने तुम्हें कहा इतने पड़े हैं वो पहन लो यार, एक ही दिन की तो बात है जेनू यार। दीवार करवा चौथ पे मैं नया पहनूंगी, ऐसे से ठंड लग रही है। तो मैं काम कर रहा हूँ ना, फिर बंद कर फोन कर किसी को मेहंदी वाले। आज तो मेरे को मैं एक बात बोल, मैं इनको बात ही कर रहा था इनके साथ, मैं क्या किसी को वो आप ही जानते हो आप ही भेज दो ये, लेकिन कल देखेंगे ये तो। बंद कर, मैं तेरे से बात करना है, फोन घुमा दो। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप लोगों का भी ऐसा ही हाल है जो मेरा हाल है। ओ भाई, दिमाग लगाया अपने फ्रेंड को, बोला उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो जाती पार्लर में, तो वो लड़की मेहंदी वाली, तो उसने मेरे से बात कराई, तो मैंने कहा हाँ भी भेज दो, दो लड़कियां आई हैं मेरी जान में जान आ गई, ये तो तुम लोगों का भाई मुंडी पता ही है ना यार, ये दिन तो सच्ची में मैं खुश हो गया, वो खुश है कि हाँ यार घर पे ऐसा है ना कि थोड़ा सा उसको दिक्कत भी नहीं होती, आराम से बैठ सकते यार। सबसे बड़ी बात है कि उसको बैठने में दिक्कत हो, स्पाइन का दर्द, इस वजह से मैंने कहा चल अपने ऐसा है कि जब मर्जी लेट के, अब फिर भी वो सोफे पे बैठ के लगाएगी और उनको भी दिक्कत नहीं होगी, वो भी सेफ है, जिन भी सेफ है, मैं तो खुश हूँ। ये डिजाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं ये लग रही है अभी 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 स्टार्ट हो रहा है जेनू का। जेनू खुश तो अपन खुश, मैं तो रो रही थी और मेरे को जाना पड़ेगा उधर, चाय तू पीना होगा तो मैं बता देना। ये अभी तक सिलेक्ट ही करे जा रही है, एक पास तो खुशी बहुत होंगी यह जे कम च ना, मेहंदी लग रही है अपने नाम की। सच बोलूं मैं जैसे ज़्यादा खुश होता हूँ ऐसी चीज़ें देखता हूँ जब उसको लगाते हुए, पर उसको मैं दिखा बोलूँगा तो पता लग जाएगा, और मम्मी को भी आपको दिखाऊंगा। अभी मम्मी सो रही है यार, इस साल मैं पहली बार बोल रहा हूँ उसको कि तू पुराना सूट या साड़ी कोई पहन ले। तो भाई अभी तक इतना लग चुका है, मैं थकी तो नहीं तू, मस्त ठीक है चलाओ फिर। ओ भाई वो तो नहीं थकी, मैं थक गया उनको देखते देखते, मैं रूम में बैठा हूँ और मैं यहाँ से देख लेता हूँ, जब मेरे को कुछ ये बता देगी इशारे से क्या रंग चढ़ता है मेरे प्यार का उसके हाथों में कि नहीं। और मम्मी क्या आ रहा है, ये सारे पूछ रहे हैं आपकी मम्मी को मिला दो, मैंने कहा मम्मी सो रही थी तो मैंने कहा चलो बाद में मिलाता हूँ। मम्मी इतने नज़ारे ले रही है, मैनू नींद ही पूरी करी जाती जड़ी इन्नी इन्नी सौंदे मम्मी, इन्ना सौंदे पुछो ना, मस्त मस्त मेहंदी लग रही है जेनू दे, तू लवाएंगी मेहंदी क्या? ठीक है मम्मी, घबराहट पै रही है, चाह पीने मम्मी? चाह दोबारा तो पीओगे नहीं पीनी? सारे ठीक हो तुसी? मम्मी पूछ रहे हैं सारे वधिया। चलो ओके बाय बाय। मेहंदी ये लगवा रही है, काम मेरे से करवा रही है सारे, कभी ये ला दे कभी वो ला दे कभी ये कर दे। क्या शर्मा की तबीयत ठीक नहीं थी? अरे मेरे आंच वो भी पहुंचू खून भी नहीं, बस बस अरे ले मैं पहुंच देता हूँ बस के ये सब गवाह है, इसने मेरे से कितना काम करवाया है। कुछ भी तो
लोगों को जब चाय पीना हो तो ऑर्डर कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। आपका बेटा हमेशा रेडी है, बर्तन रेडी है, रेडी है, जल्दी जल्दी क्यों आप लोग पियोगे, फिर मेरे का भी मेरे को ही मिल जाएगा चाय। वो भाई मंगी ये लगवा रही है काम, मेरे से करा रही है सारी, ये कर दे कभी फट्टा ला दे कभी फट्टी ला दे कभी वो कर दे कभी ये कर दे कभी मेरी ये स्कर्ट ऊपर कर दो, मतलब मींस वो मेहंदी अब पैरों के बारे में आ रही है, पैरों वाली बारी आ रही है। और इसके बाद फिर पता क्या होगा, अभी फिर उल्टा हो जाएंगे हैंड्स। चलो लगने दो, खुश लग रहा है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा देख रही है मेरे को हेलो गाइज, आप लोगों को पता है कितना टाइम हो गया, 8 बज गए 8, और मैंने अभी उनको चाय बना के दिया और मैं भी चाय पी रहा हूँ और मम्मी को भी दे दिया चाय। स्पेशल डे है ना, ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन रेडी हो रही है, मुझे हर साल ऐसे ही लगता है जैसे दुल्हन रेडी हो रही है। कितना टाइम लगेगा और बस हो गया, थोड़ा सा रह गया, बहुत अच्छा। दीदी लोग भी थक गए होंगे बेचारे यार, बस अभी फिर उनको और भी जगह जाना, कितने सारे लोगों को आज मंदिर मनाना, देख ले मैंने तेरा कहीं से भी कर दिया जुगाड़, कहाँ से कहाँ देख ले, कहाँ से भी दीदी को फोन किया, वो पंजाब में बैठे हुए नो आए आए, फिर क्या तेरी वजह से चाय भी गिर गया मेरे ऊपर। मैंने देखा था, शीशे में दिख रहा था मेरी आंखें थी यार, दीदी और ने चाय भी नहीं पिया, ठंडा में चाय पी लिया ना, पाँव का देखा है, लेकिन पाँव तो तुम्हारा सूज गया, पाँव तो तुम्हारा सूज गया तेन। चलो अच्छा, बहुत अच्छा, अभी तो हो रहा है, बहुत ही शानदार है, इसको कहते हैं मेहंदी। अब निकलने लगी ना, कल चलेगा, पूरी रात नहीं डालेगी ये पानी में, ये पहली बार थोड़ी है, अब रोटियां भी मेरे को बनानी पड़ेंगी सच्ची में, खिलानी भी पड़ेगी ले पहुंच दूं। अबे मुंडी उठा, स्प्रेड कर बस, ए ए सांबा वो डॉन लग रही है तू, महंगा मोगो जुआ। चलो बहन लो है ना, बढ़िया मेहंदी, हाय मेहंदी मेहंदी मेहंदी, हाय मेहंदी मेहंदी कैसे लगेगी, हाय मैं थक जाऊंगी बनाना डिम, कैसे बोल रही थी वहाँ पे, तो इसकी बहन बच जाती बैठे बैठे, वो छोटा सा स्टूल देते हैं इतना सा ना, इसीलिए। चलो अच्छा अच्छा है, क्या बात है भाई, क्या बात है, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। एनीवेज गाइस, ये है मेरा मेहंदी, इस साल का करवा चौथ का मेहंदी, मेरे हीरो का नाम लिखा हुआ, मैं हमेशा, जब मेरा फर्स्ट ईयर था मैं तब से इसका नाम लिखती आई हूँ, इसका नाम ऑलरेडी लिख चुका है, जो हर साल यहीं पे लिखती हूँ मैं इसका नाम, लिखवाती हूँ इसका नाम। बाकी बहुत यूनिक डिजाइन है ये भी, बहुत यूनिक है ये, देखिए डिटेल्स देखिए, वाओ, दिस इज द डिटेल्स, मत ना अच्छे से देखना, एलिफेंट्स भी बनाए हैं ये देखिए, एलिफेंट्स, ये देखिए झुमकी, कमल, वाओ जनू, लोटस, ये देखिए, ये लड़की एक करवा चौथ का चांद देख रही है, है ना, ओके, ये तो अभी निकलने लग गया क्योंकि काफी ये फर्स्ट लगा था ना तभी, तो बैक
कैसा है इसका इसका हैंड का बैक करो। हाँ भाई साहब ये देखो यार बहुत ही यूनिक डिजाइन, बहुत टाइम लगा है बेचारा, बहुत ज्यादा काफी 3 घंटे लग गए और बहुत डिटेल से किया है मैंने। मैं देख रही थी ना, ऐसा नहीं कि खची मच ना, कितने घंटे हो गए, मतलब 5:30 आए वो, 5 मिनट बैठे उसके बाद तू बैठ गए और 9 बज गए। सही में ये देखे ना, दिखाओ 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 दिखाओ। ओ भाई साहब क्या ही बात है, चढ़ेगी ना ये मेहंदी। वो कह रही है कि तो खुद ही वो घर पे बनाती है, मतलब केमिकल फ्री है, खुद ही घर पे मेहंदी बनाती है। रात को मेहंदी बनाया फिर डाला कोनों में। अब तू मुझे शाबाश दे, मैंने कैसे इंतजाम किया। थैंक यू लवली, थैंक यू, हमेशा तू मुझे रेस्क्यू पे आ जाता है। शुरू से याद है वो दिन कोई छेड़ के गया था, तू भी उस टाइम मेरे को रेस्क्यू में आया था। मैं तो फिर तेरा साया बन के तेरे साथ ही खड़ा हूँ, अभी नहीं लग जाएगी मेरे मेहंदी। अरे नहीं लगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। इसको कहते हैं हस्बैंड। ये क्या हो गया, ये क्या है? वही तो मैं तुमसे पूछ रही, क्या है? ये तुम्हारा ही है। चल आजा, ये देखो मैं कैसे चल रही हूँ, जैसे वो नहीं है पुराने फिल्मों में वीराना मूवी में। आजा 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 आजा। अबे डरा रही है यार यार, मम्मी को तो दिखाया नहीं। हाँ मम्मी को तो दिखा दे सच। लेडी है करवा चौथ का बैठक है, चांद को देख रही है। ये देखो छोटे छोटे हाथी वगैरह बनाए, मतलब पूरा इंडियन ट्रेडिशनल लग रहा है। भी लगा लेकिन कैसे उठाऊं मैं, मैंने फिर बहुत अच्छी मतलब पूरी चीज दिखाई। हाँ कितने घंटे लग गए उस बेचारी को, फोन पे फोन। मैं तो कह रही हूँ शुक्रिया अम्मा का, इस तरह लगता है जिम्मे कबर चढ़ाया हमने बाजू पे, जिसे वो मैं समझ गई दस्ताने। गाउन पहना ना ऐसा लग रहा जैसे वो कह रही थी पायल डिजाइन है ये, प्यारा ना जिले ऐसे लगते है पाए जुराबा। हाँ हाँ सॉक्स पाए। वो कह रही है कि जैसे मैं पहले डालती हूँ चीनी का पानी, कहती हूँ चीनी का पानी डाल दो, जैसे मैं पहले भी डालती थी पिछले साल नहीं डाला, बस चीनी का पानी डाल देंगे 700 का तेल। कारागिरी ने कारागिरी पूरी दिखाई। हाँ सही बात, वेरी नाइस, जिन्ना निकाली नाइस। सही बात है, मेरे को भी पहली बार मुझे मेहंदी इतना पसंद आया। ये देखिए ना इतनी डिटेल से बना, मतलब कोई नहीं करता है। देखो ये डुप्लीकेट लग रहा है, मतलब जैसे आप जैसे वो चेपी लगा दी। ये गाइस ये लाश बन के सो गई, अब पूरी रात ये मेहंदी मेहंदी करेगी इधर बेड पे, ऐसे झाड़ के नहीं निकले निकाल देती थी पहले जैसे। नहीं नींद आ रही तुझे तो हाथ तो सीधे दो यार, मम्मी रोटी बना दे, ये मेरी मेहंदी लवी, सॉरी सॉरी। चल तुझे भी तो भूख लगी होगी, बना देता हूँ रोटी। तो गाइस इस साल हमने कोई भी गाना नहीं किया। सुके यार कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर पीठ सीधी कर ले, सब्जी तो बनी पड़ी है, रोटी बनानी है। आटा गूंदा पड़ा है, सुबह सब बना दी थी। आटा भी गूंदा पड़ा ना? हाँ तूने गूंदा था सुबह। हाँ तो पड़ा है ना वो आटा? यस। तो बस फिर टेबल देता हूँ।
कुत्ते खिला के फिर खाऊंगा। साथ में खा लेते हैं ना? नहीं चूड़ी ऐसे अपने ना रोज वाले कोले में देते हैं, मिक्स करते हैं। नहीं यार मैं खिला रहा हूँ ना, कोले में चूड़ी मिक्स कर दी। हाँ इसमें नहीं होगा सूखी सब्जी में। दो रख के आया जब भूख लगते ना इंसान खा लेता, आगे रख दो बस। मुझे रोटी आता नहीं घर हाथ से खाने को, तो मम्मी मुझे खिलाती थी। मम्मी को काफी अच्छी थी, तूने मेरे को भी बहुत बार कहा। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो तू ही मुझे खिलाता था। आप लोग हमारे साथ जुड़े थे, आज मेहंदी का डे था। आज मुझे मेहंदी लगाना था क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कल तो हर कोई बिजी हो जाएगा। तो मैंने इसको बहुत ज्यादा परेशान किया, जो हर साल ही करती आई हूँ और हर रोज करती आई हूँ। आई एम सॉरी एंड आई रियली लव यू, और मुझे बहुत मजा आता तुम्हें परेशान करने में। नेवर माइंड का मतलब क्या है? तुझे बोला चाहिए अरे दोबारा कर, दोबारा परेशान कर। तो छुपा हुआ क्यों हुआ कैमरे के पीछे? चल ठीक है, वो इसने खाना नहीं खाया, मैंने तो इसने मुझे खाना खिला दिया। मैं इसको बोल रही हूँ खाना खा ले। तो बस आज का दिन बहुत ही ज्यादा इसके लिए स्ट्रेसफुल था, वहाँ के मेरे तो मजे ही थे। और लड़की के सपना साल में एक ही बारी तो आता करवा चौथ, उसी में बहन हम ना सजे, हम अपने जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसके लिए तो एक दिन तो बनता ही है ना, उसके लिए हर चीज करने के लिए। थोड़ा सा खुश हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा वो उतावला सा हो जाता है। आई नो जहाँ पे मैं इसको जानती हूँ, ओ उधर चला गया। अब तो गाइस उधर चला गया ये, अपने पता नहीं क्या कपड़े कुपड़े निकाल रहा है। तो बस यही बोलना था कि ज्यादा खुश हो जाता है ये जब भी मैं सजती सजती हूँ, बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा तो यही खुशी होता है। और मुझे पता है इतना तो भी नहीं सोचता कि नहीं मेरे सजे रोज ही सजे, साल में एक बार इसके लिए खासकर इसी के लिए सजती हूँ। मतलब होता है ना हर लड़की का इच्छा, हर लड़की का ये एक फेस्टिवल होता है कि वो जो हर रोज करती है वो एक दिन स्पेशल आता है। तो आज मेरा डे बहुत स्पेशल है, आज मैंने लवी के हाथ से, हर साल मैं एक ही दिन आता है जहाँ पर मैं लवी के हाथ से रोटी खाती हूँ, तो आज वो दिन था। मेरा पेट बहुत फुल हो गया, जहाँ मुझे दो रोटी खाना मैं तीन बना के भी तो लाया। हाँ बहुत अच्छे फुलके थे, सॉफ्ट सॉफ्ट छोटे छोटे बहुत अच्छे थे। आपको टिकटॉक्स पे वीडियो बनाना है हमारे नाम से तो आप बिंदास बना सकते हो, इससे हमारे से पूछने की क्या जरूरत है। बट थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये दर्जा दिया हमें कि आप हमसे पूछ रहे हो कि हम आपके नाम के टिकटॉक बना सकते हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच, हमने तो शुरू से सबको थैंक्स बोला है जो भी हमारे नाम से अकाउंट बनाते हैं, जो भी फैन पेजेस हैं हमारे लिए वीडियोस बनाते हैं, उन सबके लिए शुक्रिया, सबको शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखो आप लोग हमें क्रेडिट, आप लोग भी तो देते हो हमें क्रेडिट, आप लोग अकाउंट बनाते हो हमारे नाम से, हमारे वीडियोस बनाते हो, आपके एरिया में वो फैलता है, फिर आपके वजह से हमें भी फॉलोअर्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स आते हैं। तो हाफ ऑफ द क्रेडिट गोज टू यू ऑल ऑल्सो, आधा क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है। तो थैंक्स अ लॉट, आप बिंदास बनाई टिकटॉक, लेकिन जरूर जैन लवी जरूर लिख लेना। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुझे देख रहा था, करवा चौथ पर देख लेना। चलो कोई बात नहीं, जो नवरात्रे पे मैं समझ गई इसने मेरे लिए जो करता है मेरे लिए बहुत करता है। तो मजाक कर रही थी, इसको इरिटेट कर रही थी। ऐसा मैं ऐसी सच्ची मैं भी नहीं हूँ, मैं हूँ क्या? हूँ
मजाक कर रही थी, इसको टांग खिंचाई करना बहुत अच्छा लगता है। कभी ना फेसेस बना रहा है पीछे। नहीं बना रहा। तो बस यही बोला था कि मैं वो सूट पहन लूंगी जो रेड वाला था जो आप लोगों ने देखा, मैं करवा चौथ पे वो पहन लूंगी। सॉरी इस बार के लिए। इस बार के लिए क्या? क्यों, कोई बात नहीं, नया नहीं बना पा रहा था। सो व्हाट, भगवान ने मुझे तुम दिया है लाइफ में, तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट एवर। ये चीजों से गिफ्ट नहीं होता, इट्स ओके। यू डोंट हैव टू से सॉरी, यू डोंट हैव टू बी सॉरी आल्सो। ऐसा कुछ नहीं, मजाक करी थी इसके साथ। देखो मैंने तो पहले ही बोला था कि जैसे मैं हूँ मैं वैसे ही रहूंगी, मैं तो हूँ ही इसके साथ, बहुत कमीनी हूँ मैं सच में बोलूँ। ये भी मेरे से बहुत कमीना है, मेरे साथ हम तो एक दूसरे के साथ कमीना कमीनी है। आई थिंक सो यही है हमारे रिलेशनशिप का जो फन, अगर हम फन ही नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, लड़ते भी बहुत है, फन भी बहुत करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के बिना सच में गाइस एक घंटे भी रहा नहीं जाता। मैं सच बोलू, इसको तो कुछ ज्यादा ही घबराहटे होती है और मैं तो बस मरने के वो हालात पे आ जाती हूँ, बस स्ट्रेचर पे ले चलो। मेरे बिना इसका तो बीपी बढ़ जाता है और मेरे बिना इसका बीपी घट भी जाता है। घटता कभी भी नहीं है, हाई रहता है बस। हाई की वजह से कितनी प्रॉब्लम आ जाती है तेरे को। टच भी हमेशा से साथ रहे, दुआ करना गाइस। हाँ गाइज, आप लोगों से इस करवा चौथ पे यही मांगते कि आप लोग हमारे रिश्ते के लिए दुआएं जरूर मांगना कि हमेशा बहुत साल हम दोनों साथ में ही रहें। बस आप लोगों से करवा चौथ का यही एक मांग सकते हैं हम। आप लोग समझ रहे हो ना जो मैं कह रही हूँ, है ना? तो तू ही समझा दे। नहीं समझ गए, सारे समझ गए। तू तो कुछ ज्यादा ही समझ रहा है। अंड जा मेरे रिटेट मत कर, तो फैन ऑफ है, ऊपर से घुस रहा है मेरे अंडा, उस पे स्मेल आ रहा है पसीने का, वहां पे बैठी थी मैं। ओए सॉरी यार, सॉरी, खुशबू आ रहा है। हां झूठा, ज़ारा का परफ्यूम लगाया ना तुमने? लेकिन अंडा उस पे नहीं लगाती। हां साइड पे तो लगा ना, ड्रेस पे तो लगा ना। अंडा सुन ना तेनु प्लीज। हम इससे भी बहुत ही वाहियात है, ठीक है? हमारी वाहियात आदतों पे मत जाइए, वो धीरे धीरे सामने आएंगी। ये क्यों छुप गया पीछे? नहीं मैं यही कह रहा हूँ। हाँ और गाइज आप लोगों को ये बात बताना था, वो गाय से रिलेटेड जो अपडेट है, हाँ। वो आप लोगों को ये बताना था कि हमने बहुत सारे लोगों को कॉन्टेक्ट किया है, एक इंसान रह गया जिसको कॉन्टेक्ट करने वाला है, बस उसको हम कॉन्टेक्ट करेंगे, बाकी हम लोगों को ये बात है, ये लोग जानबूझ के तबेलियां रखते हैं ताकि वो इनकी जो प्रॉपर्टी वो कोई। तो गाइज आपको ये बारे में हम जरूर डिटेल से बताएंगे लेकिन एक दो दिन के बाद। तो आई होप ये याद रहेगा हमें, तबेले का जो है ये गाय का, हमें आपके साथ ये बातें शेयर किया। जेवियर्स को भी किसी ने, जेवियर का भी बोला था हमने, उसको भी वीडियो भेज दिया था। हाँ, पहले फिलहाल तो त्योहार मना लिए। हाँ तो त्योहार आ रहे हैं। हाँ। तो गाइज ये बहुत कॉपी कैट है जो मैं पता है मैं डायमंड देख मैं डायमंड पेंटिंग जो कर रही है, इसने भी अपने लिए मंगाया, पता है कॉपी कैट अपना दिखा वो डायनोसोर। गाइस मैं थोड़ा सा उसको आज ना, ये तो आप ऐसे लुढ़क जाएगी, सो जाएगी, बहुत नींद आ रही है। मैं तो मेहंदी लगाते भी सो रही थी। अब मैं वो करूंगा, जब मैं मुझे नींद नहीं आएगी तो ना, तो फिर मैं थोड़ा सा वो अपना पेंटिंग थोड़ा सा पूरी करूंगा, फिर आपको कल दिखा दूंगा। कॉपी कैट खुद भी मंगाया पता है इसने, और वैसे भी मुझे कल बहुत जरूरी काम है, बाहर जाना है मुझे। और हमने मम्मी को भी बोला था मेहंदी लगाने के लिए, बट मम्मी का मन नहीं था। मम्मी का कल लगा लूंगी, उसने वो रख लिए मम्मी ने, मैंने भी नहीं लगाया इस बार क्योंकि मुझे बाहर काम है यार। तो फिर मैं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा तूने नहीं लगाया, हर साल तो तू लगाता है, इस बार नहीं लगाया। चल कोई बात नहीं, पिछली बार वो लड़का था ना, फिर लड़कियां ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे, और तो कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, तू लगा देना मेरे। नहीं मेहंदी नहीं खराब करूंगी, मेरा नाम भी लिखवाएगा, उसके लिखवा। मुझे खाना नहीं बनाना था यार, रोटी नहीं बनानी थी, कुछ भी बोलती है यार। और मुझे बोलते तूने रोटी नहीं, इस बार तूने वो नहीं किया, हर साल करता है, इस बार नहीं किया। बस थी दीदी लोग थे, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है चले थक गई थे ना, तभी मैंने नहीं लगाया यार, वो थक भी। और वैसे भी उनको बहुत कॉल्स भी आ रहे थे क्योंकि बुकिंग काफी था 800, तो उनको जल्दी भी जाना था, 3 घंटे हमारे घर पे थे वो यार।
सो चलो नेवर माइंड गाइस, तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया। और आज सलमा भी नहीं आई थी शाम को, उसको बुलाया भी था मेहंदी के लिए बट उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसको बुखार हो रखा है तो हमने ज्यादा उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। तो बाकी चलिए गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शक्करपारा गाइस, आई होप आपको ये व्लॉग बहुत प्यारा लगा होगा और इसको इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार देना। ओके नाइट, टेक केयर, बाय, हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन, बाय, गुड नाइट। मैं ये शूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये दिखाना था कि ये मुझे कॉपी करते हुए ये पकड़ा गया आज। ये देखिए क्या बना रहा डायनासोर, बना रहे गाइस डायनासोर। मैंने बच्चे वाला मंगाया है, आप लोगों को लग रहा है कि डायनासोर, देखिए वो भी हा 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 करते हुए, डायनासोर भी हा 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 कर रहे। डोंट डिस्टर्ब जानू, मैंने तो मैं एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया। ओके गाइस बाय बाय। अरे बहुत बिजी है आप लोगों का भाई।